सतनाम श्री गुरु नानक देव जी ने बख्शिश की था। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये नाम बख्शिश की था। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जदों कालपुरख नू नाल लै के आए ढाइए तो बाद ये नाम बख्शिश किया। गुर अवतार पैगंबर जुग जुग बदली होंगे ने, नाम भी जुग जुग बदली होंगे है। आओ एक छोटी जी हरबाणी पंथ खालसा वीर जी सुनो। सुनने कन्नै कोई हर्ज नहीं है, ये कच्ची नहीं, ये तुरदी बाणी है। सुनना चाहिदा है, उन्हूं पाजिटिव च लैना चाहिदा है। पढ़ो, सुनो, अमल करो। जे चंगा लगे तो करो, नहीं तो लड़ाइया झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी जदों प्रगट होया ने कलंक नारायण नाल, महाराज जी शंबला के बेच एक भाई नंद सिंह जी, उन्हें महाराज के चरणों में बेनती की थी कि सानू तो हुक्म है जी, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की दे। महाराज जी वह जवाब बख्शिश कर रहे हैं। आओ वीरो, ध्यान नाल सुनिए ते विचारीए। दे उपजे पंज तत् अप तेज बहाए पृथ्वी काश मेल मिलाया। दे अंदर रखे बुद्ध मन मत काम क्रोध लोह मोहंकार नाल रलाया। दे अंदर ये पांच चीज़ें रखियां। गुरु ग्रंथ अंदर एक धीरज संतोख जत सत झूठ झूठ नजर न आया। लखा गुना साढ़े देह को गुरु ग्रंथ साहब चंगा जिदे चीज़ें रखियां। हर का शब्द महमा कथ लिख लिख लेख विखाया। शब्द गुरु गुर बदले चोला पंज तत् काया आप हंडाई आ। गुरु वो होंगे जिस दे विच शब्द की धार आ जाए। पंज तत् शरीर कोई सतगुरु नहीं होंदा, सतगुरु जोत शब्द की धार है। इस गल नूं समझाने वास्ते श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जींदे जी वो जोत शब्द की धार जिहड़ी कालपुरख नूं लै के आए सन, वो देवी दे पुजारी अंगद लहने विच रख दित्ती और दुनिया नूं संबोधन कर दिता। ये संसारियो, ये जगवासियो, सतगुरु वो है जिस दे अंदर शब्द जोत की धार आ जाए। अज 52 लख सन धरती बनने, पर मेरे ख्याल जोत शब्द की धार किसी च नहीं मिल रही। ये असी विचार करना चाहिए है। मनमुख जीबा कोलों करे उलाह, गुरसिखा साख आत नजरी आई आह। साहेब सतगुर आज जुगाद सुनाए अपना ढोला, ढोलक सैना ना कोई बजाई आ। उहदी आवाज़ विच ही उहदी सितार बजदी है, ढोलकियां सैने वाली नहीं होंदी। निर्गुण सरगुण बन बन तोला, नाम कंडे ले तुलाई आ। फिर कहता सिख कौन होंदा है, सो सिख जो सिख्या करे परवान, नानक निर्गुण सरगुण करे पढ़ाई आ। चार वर्ण वेखे कर ध्यान, अंदर बैठा सच्चा माही आ। अठे पैर रहे निगाहबान, दिवस रहन सेवक माही आ। नाता टुटे हिंदू सिख मुसलमान, आत्म ब्रह्म घट घट नजरी आई आ। तिस गोविंद सूरा मिले आन, गुरु ग्रंथ दे गवाई आ। गुर का शब्द जिस लिया पहचान, खोजन बन खंड ना जाई आ। उन्हों फिर किधे जान की जरूरत नहीं जे वह पहचान ले थे। फिर उन्हें कहा जा का हिरदा शुद्ध है खोज शब्द मेहले। हूँ महाराज जी कहते हैं बिन सतगुर पूरे हिरदा न होए शुद्ध, लख 84 होए हलकाई आओ। मन वासना दह दिसा रही कुद, मन पंछी फड़के
ਹੱਥ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈ ਆਓ। ਮਤ ਮਤਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੈਠੀ ਲੁੱਟ, ਕਲਯੁਗ ਠੱਗ ਚੋਰ ਯਾਰ ਗਏ ਲੁਟਾਈ ਆਓ। ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਾਣੀ ਨਾ ਸਕੇ ਉੱਠ, ਕੂੜੀ ਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਦਵਾਈ ਆਓ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ ਆਲਣਿਓਂ ਡਿੱਗੇ ਵੋਟ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਈ ਆਓ। ਜੋ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਰੱਖੇ ਕਾਓਟ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਆਓ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ ਜੀਵ ਗਵਾਰ, ਜਗਤ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾਈ ਆਓ। ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਬੈਠਾ ਮੁਖ ਸੁਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਕਹੇ ਪਕਾਰ, ਨਿਮਨ ਸੋ ਅਖਰ ਸਾਚੀ ਜੁਗਤੀ, ਚਾਕਰੀ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈ ਆਓ। ਏਕਾ ਕੰਤ ਸਰਬ ਪਤਾਰ, ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾਈ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਠੰਡਾ ਦਰਬਾਰ, ਚਾਰ ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਨੈਣ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਭੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕਾ ਰੂਪ ਜਿਨਾਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਬਿਨਾਂ, ਤਰਸ ਬਿਨਾਂ, ਖੋਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਕਿਆਮਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਸੁਣੋ ਸੱਚ, ਅਮਲ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਗੱਜਿਆ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ।